नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू जेड। जनपद हाथरस से इस वक्त की खबर। हाथरस पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना हाथरस जक्शन पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी बीमा कर ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने वाले सक्रिय गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। हाथरस पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेश अनुसार अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी सिकंदर राव के कुशल नेतृत्व में थाना हाथरस जक्शन पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी बीमा कर ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर फाइल चार्ज कमीशन एग्रीमेंट आदि के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में रुपए डलवा कर रुपए ऐंठने वाले सक्रिय ग्रोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 4 ATM कार्ड, 12 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 2 DL, 3,150 रुपए नकद बरामद किए। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना हाथरस जक्शन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समाचार एटीकेट के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। थाना हाथरस जंक्शन के नगला केशनो गांव के रहने वाले श्री वीरेंद्र कुमार ने थाने पे यह सूचना दी थी कि जरिए मोबाइल फोन एक व्यक्ति ने उन्हें इंश्योरेंस दिलाने के नाम पे उनसे 5 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस अभियोग की तफ्तीश में साइबर सेल की टीम और थाना हाथरस जंक्शन की पुलिस को लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप घटना को वर्कआउट करते हुए 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इन 4 अभियुक्तों के पजेशन से 1 लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से ATM कार्ड और 3,500 रुपये के करीब भी बरामदगी की गई है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था, ये सीरीज के नंबरों पे कॉल करते थे और जो इनके संपर्क में आ जाता था उनसे इंश्योरेंस दिलाने के नाम पे झांसा दे करके ये अपने अकाउंट में कुछ पैसा दिलाते, टोकन डलवा लेते थे और बाद में वो नंबर ब्लॉक कर देते थे। इसमें एक व्यक्ति जो वांछित है वो गुजरात का रहने वाला है और साथ ही इसमें जो आज गिरफ्तारी हुई है उसमें अलग अलग, एक दिल्ली का, एक बदायूं का, अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले व्यक्ति हैं जो आपस में संपर्क में आकर के ये घटना कारित कर रहे थे। इस वर्कआउट को, घटना को वर्कआउट करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर सेल और हाथरस जंक्शन की पुलिस की टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है।